व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि व्यापारियों के समस्याओं का निस्तारण प्रमुखता के आधार पर किया जाए तथा समस्याओं के अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में अगली बैठक से पूर्ण व्यापार बंधुओं के संयोजक सचिव को प्राप्त कराना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि फॉगिंग छिड़काव रोस्टर के अनुसार कार्य कराएं तथा जहां जहां सफाई फॉगिंग छिड़काव हो उसका जन जागरूकता के दृष्टिकोण से प्रचार प्रसार कराया जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि नाले से अतिक्रमण हटाकर उसकी सफाई कराई जाए तथा कूड़ा हेतु डस्टबिन लगाए जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि ठेला पार्किंग योजना के तहत जगह चिन्हित कर कार्रवाई की जाए तथा महानगर को जाम से निजात दिलाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए। बैठक में एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत सिंह, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, व्यापारी नेता रमेश गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा व्यापारी नेता मौजूद रहे। पार्किंग कब तक फाइनल हो जाएगा? कोई टेंडर चार हो गया, टोटल 14-15 घंटे, 13 में चार हो गया, बाकी कब तक बाहर निकाल दिया है? जगह जगह पे आप लोग का एक रास्ता है तो कम से कम 2-3 पार्किंग का उसका व्यवस्था हो जाए। आप उसके सुनिश्चित करें वही हो जाए वो, ताकि वो उसी की वजह आपको ही नुकसान होगा और जनता को भी नुकसान है। जनता को पूरा ग्राफिक जाम लगा रहता है, हर जगह हम लोग मान लीजिए 100 मीटर स्ट्रीट से हम लोग एक एक पट्टी निकल करके लोग को बताए, उसको किसी की जिम्मेदारी में दे वो आकर के पूरा कर तो आप उसको सहयोग करें। मार्केट के लिए अलग व्यवस्था करेंगे ताकि आपको दुकान के सामने ठेला नहीं रखें जगह जगह आगे रोड लाइट चलते ही नहीं है कीड़ा से। अपने क्या प्रॉब्लम है? 70x22 से क्या स्थिति है? अगला बिंदु है व्यापारिक भ्रमण और गंदगी या थावत है। शास्त्री चौक से घोष कमेटियाँ हटाई गई थी किंतु बाद में उन्हें नाला पर नहीं रखा गया। अग्रसेन चौराहे पर डस्टबिन लगाए जाने की आवश्यकता है। भेजने वाले भ्रमण करके दुकान लगाते हैं, उन्हें नियंत्रित किया गया। नगर निगम अधिकारी द्वारा बताया गया कि बड़ा कंटेनर सीता वाटिका पर रखा गया है, अतिक्रमण की समस्या है। अतिक्रमण हटाने में व्यापारी को भी सहयोग करना पड़ेगा। ठेला व्यापारियों की आजीविका को देखते हुए उन्हें ना हटाए जाने का मान्य कर व्यापारी प्रतिनिधियों द्वारा रखा गया। सवाल पहले भी टेंडर हुए थे लेकिन वो चल नहीं पाया क्योंकि क्या वही रखवा देता है जो ठेकेदार है, लोगों ने विरोध किया था, इस वजह से आपको सब टेंडर डालने का खतरा रहता है।